व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, हमारे खुद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बारे में। तो लेकिन अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर भी हम लोग फोकस थोड़ा देने जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, आप लोगों को पता है पहले से ही बहुत सारी कंट्री ऐसी थी वर्ल्ड की जिसके ऊपर यहाँ पर ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, या फिर आप लोग कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री ने रूल किया है, पर लेकिन उसके बाद में वो कंट्री आजाद होगी, वहां पे डेमोक्रेसी आ गई। अब उस डेमोक्रेसी को कैसे आगे लेके चलना है, जो जनता का रूल आ गया है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसको कैसे आगे लेके चलना है, क्या क्या उसके सामने प्रॉब्लम है, किस तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंडियन पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के बारे में, इसके अलावा किस तरीके से हमारा खुद का पार्लियामेंटेरियन जो ग्रुप है वो किस तरीके से इंटरेक्शन करता है ऑल ओवर वर्ल्ड के पार्लियामेंटेरियन ग्रुप से, जो कि डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने का काम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, और किस तरीके से यहां पर अगर मान लीजिए वर्ल्ड में किसी एक डेमोक्रेसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ्यूचर में किसी दूसरी और तीसरी डेमोक्रेसी में ना आ जाए, किस तरीके से हम उन सब चीजों से यहां पर टैकल करके चल सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर हमारा रहने वाला है, काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप से। इसको पूरे लेक्चर में मैं आप लोगों को आईपीजी बोलूंगा। आईपीजी जो यहां पर हमारी कंट्री में बनाया गया था, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और जिसके मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सब मेंबर यहां पर नजर आएंगे। एक तो आज के डेट में हमारी कंट्री में जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, मतलब जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे बात कर लीजिए लोकसभा की और चाहे बात कर लीजिए राज्यसभा की, तो दोनों के मिला के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब इसके मेंबर रहते हैं। और इसके अलावा जो फ्यूचर में, जो आगे पास्ट में मतलब मेंबर जा चुके हैं, जो कभी मेंबर हुआ करते थे, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मेंबर नजर आएंगे। पर उन मेंबर्स को जो पहले हुआ करते थे उनको इतनी ज्यादा यहाँ पर पावर नहीं मिलेगी जितने की प्रेजेंट में मेंबर है। उनके क्या डिफरेंस है वो हम अभी आगे देखेंगे, पहले यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन किया गया था 1949 में। आप लोग देखते हैं हमारा संविधान यहाँ पर अडेप्ट किया गया था कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 में, तो उससे पहले थोड़ा इसका गठन कर दिया गया था, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारी कंट्री में पूरा संविधान बनाया, पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर उसको अडेप्ट किया गया। तो किस तरीके से यहाँ पर हम अपने संविधान को, अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन रख सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये इस तरीके ग्रुप की आप लोग बोल सकते हैं स्थापना की गई। ओके, और ये ग्रुप आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टेड मिलेगा ना कि ओनली इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से। यहाँ पर लिंक नजर आएगा आप लोगों को जो फॉरेन में भी इस तरीके काउंटर पार्ट, जो फॉरेन में भी अलग अलग कंट्री ने अपने कंट्री में इस तरीके ग्रुप बना रखे हैं, उसके साथ इसका आप लोगों को ग्रुप का जो लिंक नजर आएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन नजर आएगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर कॉमन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन नजर आएगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिला के काफी वाइड एरिया में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर आप लोगों को पूरा समझ में आएगा किस तरीके से ये पार्लियामेंट्री ग्रुप वर्क करता है और किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे से हम लोग फायदा उठा सकते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के लिए अवार्ड भी दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड, इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन आगे स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले आईपीयू के बारे में, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका जो गठन किया गया था ये आप लोग देख सकते हैं, जो सोवरेन कंट्री होती है, मतलब जो जो कंट्री यहाँ पर आजाद हुई वो कंट्री, और इसके अलावा जिस कंट्री में यहाँ पर डेमोक्रेसी है वो कंट्री सब मिलकर यहाँ पर सामने आई, एक साथ में मिलजुल कर रहने लगी और टोटल मिला के 153 यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा आज की डेट में। इसमें जो सोवरेन नेशन है जो आज की डेट में इसका पार्ट बन चुके हैं। एम क्या है, किस तरीके से हम लोग पीस रख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के लोगों के साथ में, और किस तरीके से हम लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है जैसे हमारे पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, किस तरीके से हम लोग उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना, वो ये कहता है ना, आप लोगों ने सुना होगा चाणक्य जी ने भी बात बोली थी कि अगर हम दूसरों की गलतियां सीखते हैं तो काफी शानदार बात है, अगर खुद गलती करेंगे और उससे सीखेंगे तो एक जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई वर्ल्ड की पार्लियामेंट किसी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो हम लोग उसकी गलतियों से सीखें और अपनी खुद की पार्लियामेंट में वो इस तरीके कोई भी गलती ना करें ताकि वो यहां पर जनता को भी झेलनी पड़े और उस इंस्टीट्यूशन को भी झेलनी पड़े। तो उसी के लिए यहां पर इस तरीके एक्टिविटी आप लोगों के सामने नजर आएगी। इसके अलावा जो भी बर्निंग क्वेश्चंस है जो जनता से रिलेटेड कोई भी, और जो पब्लिक या इंटरनेशनल या फिर जनता की इंपॉर्टेंस की बातें हैं, किस तरीके से उन पर भी एक दूसरे से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड यहां पर पार्लियामेंट्री आप लोगों को सिस्टम नजर आएगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है किस तरीके से हम लोग उनको भी मेंटेन रख सकते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं इंटरनेशनल, जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहां पर आप लोगों के सामने, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है ना, IMF हो गया, UN हो गया, तो इन सारे इंस्टीट्यूशन का भी आप लोग यहां पर नाम याद रख सकते हैं। तो उनकी भी किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेटिव बना सकते हैं, किस तरीके से उनको भी अच्छे से हम लोग प्रोसीजर में ला सकते हैं, तो वो सारी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, जो इसका गठन किया गया था 18
89 में इसका गठन किया गया था, इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा इसका स्विट्जरलैंड में जनेवा में। इसके अलावा जो फाउंडर थे इसके, ये भी आप लोग नाम याद रखते हैं, विलियम रेंडल क्रीमर। और जो आज के डेट में प्रेसिडेंट है यहाँ पर, ये है यहाँ पर गैब्रिला शुवास बैरन। तो ये आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जरूर याद रखते हैं जो कि फाउंडर थे यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, और जो कब फाउंड किया गया था ये याद रखते हैं, हेडक्वार्टर थोड़ा आप लोग याद रख ही सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट जानते हैं यहाँ पर सीपीए के बारे में। ये क्या बवाल है, ये है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके से आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसमें टोटल मिला के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो आप लोगों को लगभग यहाँ पर नजर आएंगे, कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंटेरियन है 17,000। जी हाँ, टोटल जो वर्ल्ड की पार्लियामेंट है लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 175 नेशन यहाँ पर है, स्टेट या प्रोविंस या टेरिटरी है, सबकी पार्लियामेंट है। तो उनके सबके मेंबर यहाँ पर काउंट होकर आ रहे हैं टोटल, तो ये उससे बड़ा है, 17,000 लगभग मेंबर आप लोगों के सामने यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका एम क्या रहता है, किस तरीके से प्रमोट करना है नॉलेज, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कॉन्स्टिट्यूशनल जो लेजिस्लेचर है, इकोनॉमिक या सोशल या कल्चर प्रोविजन है, तो किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से बातें सीख सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर नेशन है सब मिलकर किस तरीके से चल सकते हैं, किस तरीके से हिस्टोरिकल क्या क्या यहाँ पर बातें हुई जिनसे हम लोग सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, तो ये बातें आप लोगों के सामने नजर आएगी। और किस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ में नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे नॉलेज बांट सकते हैं, और हम लोग एक दूसरे की डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब एक दूसरे की डेमोक्रेसी को समझेंगे तभी हम लोग एक दूसरे की डेमोक्रेसी को अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और खुद की डेमोक्रेसी में भी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमारा संविधान, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कंट्री से हमने सीख सीख कर अपना संविधान बनाया, तो कहीं ना कहीं वही बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग वर्ल्ड से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कॉमनवेल्थ आप लोग देख सकते हैं जितनी भी डेमोक्रेसी है किस तरीके से एक दूसरे कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है और एक दूसरे का यहां पर सपोर्ट करना है, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी नजर आती है। जब भी किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है इमरजेंसी लगाई जाती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड उसको क्रिटिसाइज करता है। कुछ दिनों पहले आप लोगों को देखने को मिला मालदीव में, अभी आप लोगों को देखने को मिला श्रीलंका में, आप लोगों को 1975 से 1977 तक देखने को मिली इंडिया में, जो कि आज तक क्रिटिसिज्म जिस चीज का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में आप लोग यहां पर अलग अलग एरिया में इमरजेंसी नजर आती है, उसका क्रिटिज्म होता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो पार्लियामेंट्री का सिस्टम है, जो पूरा हमारा संविधान के द्वारा बनाया गया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कहीं ना कहीं उस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देती है इमरजेंसी। तो इसीलिए ये इमरजेंसी न लगे और सब मिलजुल कर रहे अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाए, इसी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके यहां पर सिस्टम की एक सिस्टम का गठन किया गया है और सब एक दूसरे से सीख कर यहां पर चीजों को आगे बढ़ सके। ओके, थोड़ा जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं यहाँ पर ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आप लोगों को नजर आएंगे। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फिलहाल के मेंबर हो गए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सारे मेंबर हो गए। इसके अलावा जो फॉर्मर मेंबर है, मतलब जो कभी मेंबर हुआ करते थे पार्लियामेंट के, वो भी आप लोग यहाँ पर इसके मेंबर नजर आएंगे, पर उनको एसोसिएट मेंबर बोलेंगे। ठीक है, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट नाम यहाँ पर रखा गया, इनको एसोसिएट मेंबर बोलेंगे। और इनको यहाँ पर लिमिटेड राइट है, मतलब इनको पूरे राइट नहीं है जो कि प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको जो राइट दिए गए वो थोड़े लिमिटेड दिए एज कंपेयर टू अगर जो मेंबर यहां पर प्रेजेंट आज की डेट में है। ये इंटाइटल नहीं है यहां पर मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में, जो कि आईपीयू जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया और सीपीए, तो उन दोनों की जो मीटिंग है, मतलब इसकी मीटिंग में आप लोगों को यहां पर नजर देखने को मिलेगा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन या फिर सीपीए जो कि है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, तो इन दोनों की मीटिंग में यहां पर आप लोगों को ये मेंबर नजर नहीं आएंगे। ठीक है, पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, यहाँ पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा या फिर डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा का है, ये आप लोगों को एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट नजर आएंगे। ये प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, और जो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का होता है वही आप लोगों को यहाँ पर एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल नजर आएगा। आखिर ये एक्स ऑफिशियो बवाल क्या है? एक्स ऑफिशियो बवाल ये है, जब मान लीजिए कोई यहाँ पर स्पीकर की पोस्ट पर आ गया तो वो बिना किसी इलेक्शन से, बिना किसी एग्जाम दिए, बिना किसी प्रोसीजर के, ये जैसे ही इस पोस्ट पर बैठता है ये उस पोस्ट का भी यहाँ पर मालिक हो जाता है। कहने का मतलब ये है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पहुंचता है वैसे ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा एसोसिएट कर देख सकते हैं। ओके, आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एम क्या है, सबसे पहले इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बात कर ले लोकसभा की, राज्यसभा की, तो सब में किस तरीके से पर्सनल कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, एक दूसरे से मिलकर किस तरीके से बातें कर सकते हैं ताकि कंट्री के फायदे के लिए सोच सके, एक तो ये इसका एम यहाँ पर निकल कर आते हैं। दूसरी बात की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए जो क्वेश्चन है, जो भी कोई प्रॉब्लम आज की डेट में है, किस तरीके से हम लोग उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, सेमिनार अरेंज करके, डिस्कशन करके, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा ओरिएंटेशन कोर्स के थ्रू, किसी भी के थ्रू आप लोग देखें यहां पर, बस सीधा सीधा मतलब ये है हम लोग किस तरीके से अपनी कंट्री को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यहां पर ये नजर आएगा।
आगे क्या देखने को मिलेगा आप लोग यहाँ पर, आगे देखने को मिलेगा जो अरेंज किए जाते हैं कई तरीके लेक्चर, पॉलिटिकल, डिफेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी, सोशल या फिर एजुकेशनल प्रॉब्लम जो भी है यहाँ पर आज के डेट में, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर डिस्टिंग्विश पर्सन जो कि उस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा है, पॉलिटिकल की बात कर लीजिए, डिफेंस की, इकोनॉमी या सोशल इश्यूज की, तो उसमें यहाँ पर लेक्चर यहाँ पर अटेंड कराए जाते हैं ताकि नए नए एंगल यहाँ पर जानने को मिले, अच्छे से चीजों को डिस्कस किया जाए, ताकि फ्यूचर में कोई पार्लियामेंट्री, अगर कोई पार्लियामेंट्री मेंबर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर कोई लॉ बना रहा है किसी बिल को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पास करा के लेके आ रहा है संसद में, तो उसमें कोई भी कमी या खामी न रहे और वो जनता के ऊपर भी आराम से चीजें इंप्लीमेंट हो सके, वहां पर भी उनको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, तो ये सारी बात भी आप लोगों को यहां पर नजर आएंगी। ओके, इसके अलावा फॉरेन की कंट्री के साथ में हम लोग किस तरीके से कॉन्टेक्ट बना कर सकते हैं, उनसे हम लोग क्या बातें सीख सकते हैं और किस तरीके से हम लोग नए नए एंगल अपनी कंट्री में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि फॉरेन में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। जीएसटी आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, बहुत सारी कंट्री में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा चुका है, तो उसे सीखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम पहले फॉरेन कंट्री में की जा सकी है और अब हम अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और काफी शानदार तरीके से हम लोग उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारी कंट्री का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होगा, पर लेकिन अगर पहले हम लोगों को एक कहीं ना कहीं मीडियम मिल जाता है तो हम लोग फिर उसको आसानी से कर पाते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग समझिएगा तो आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग देख सकते हैं एक दूसरे की कंट्री से सीखने का एक तरीका है। जिस तरीके से आप लोग मानते हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आप लोग या तो यूरोप में आप लोग देखेंगे या फिर यूएसए को आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों के संविधान, लिखित संविधान यहां पर नजर आएगा। इसके तहत यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में यूएसए से सीखे फिर आगे बढ़े, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में भी सीख कर दूसरी कंट्री से आगे बढ़े, और जो बिल ऑफ राइट्स यूएसए के संविधान में हुआ करते थे आज के डेट में हमारी कंट्री के संविधान में उनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। अलग अलग कंट्री से हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट यहां पर लिए हैं और अपनी कंट्री का वर्जन बनाकर उनको हमारे संविधान में उनको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो थोड़ा देखिएगा क्या क्या बातें यहां पर की जा रही हैं, जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जो बातें चल रही हैं। तो मान लीजिए यहां पर कोई डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क नहीं करी किसी कंट्री में, तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम अपनी कंट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना करें, उसको लेकर हम सीख के और उससे हम आगे बढ़े। तो इस तरीके की बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं, एम और ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, फंक्शन देखते हैं। देखिए हमारी कंट्री से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे एम्बेसडर होते हैं या फिर कई सारे गुडविल मिशन पर जाते हैं या फिर डेलीगेशन जाता है एक दूसरे कंट्री से बात करने के लिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाया जाता है एक दूसरे की कंट्री में, तो कहीं ना कहीं लिंक ये रहता है बिटवीन पार्लियामेंट इंडिया की और जो फॉरेन या ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट है उनके बीच में, एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ठीक है। इसके तरह आप लोग देखते हैं डेलीगेशन जाते हैं या फिर गुडविल मिशन जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस जाते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, जैसे कई सारी ट्रीटी रहते हैं, एग्रीमेंट रहते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके से हम लोग यहां पर कनेक्शन बना पाते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ग्रुप यहां पर फंक्शन करते हैं, एक तो आप लोग देखते हैं नेशनल ग्रुप में तौर पर आप लोग यहां पर आईपीयू नजर आएगा, मेन ब्रांच आप लोगों को सीपीए की भी नजर आएगी यहां पर इंडिया में, मतलब हर एक कंट्री में कोई ना कोई आप लोगों को इनकी ब्रांच या फिर किसी तरीके का लिंक नजर आएगा, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट है, खासकर जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा समझ के चलिएगा। अब जो फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट है या फिर जो फॉरेन कंट्री में एमिनेंट पर्सन है उनके साथ में बात कराई जाएगी, ठीक है, कि किस तरीके से मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कई तरीके की सेमिनार यहां पर, सिंपोजियम यहां पर कराए जाएंगे, आप लोग देखते हैं इस तरीके से मीटिंग कराई जाएगी, सब मिलकर यहां पर बातों को बैठकर डिस्कस कर सकें कि हां भैया ये प्रॉब्लम उस कंट्री में फेस कर रहे हैं, जैसे सीरिया में प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या सीरिया में प्रॉब्लम चल रही है, क्या उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं आज की डेट में मान लीजिए म्यांमार में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, मालदीव में प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसको बैठकर हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जाता है। तो इस तरीके से कई सारी बातें यहां पर आप लोगों के सामने निकलकर आती है, मतलब एक दूसरे से सीखना है, कहने का मतलब यह है मोटा मोटा घुमा फिरा के, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप लोगों को जो 6 महीने तक यहां पर नजर आएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 6 महीने से इस ग्रुप के मेंबर है, वही आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन फॉरेन कंट्री के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आगे यहां पर डिस्कस किया गया है, देखिए कई तरीके आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिए जाते हैं, तो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिला 1995 में अवार्ड स्टार्ट किया गया, ताकि यहां पर भी हमारी कंट्री में अवार्ड दिया जा सके और मोटिवेट किया जा सके, ताकि मिलजुलकर सब लोग काम करें। 5% यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट करता है अवार्ड के लिए, जो इन्वाइट करते हैं फाइनल मेंबर को जिसको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एनकरेज किया जाता है अच्छे अच्छे डिस्कशन करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, अपनी कंट्री की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, किस तरीके से इनका सोल्यूशन निकाले जा सकता है उसके लिए। अगर कोई अच्छे अच्छे सोल्यूशन निकाल के लेके आते हैं यहां पर ग्रुप में, उनको यहां पर छाटा जाता है किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे यहां पर राय देता है, अच्छे अच्छे पॉइंट रखते हैं यहां पर सबके सामने लाकर, तो वो सारी बातें यहां पर डिस्कस की जाती है, तो उसी को यहां पर अवार्ड दिया जाता है।
इसके अलावा जो फ्रेंडली नेशन है, जो हमारी कंट्री, जो आसपास की कंट्री जिनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, उनके साथ में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं चीज़ों की और उनसे भी हम लोग कुछ सीखते हैं और उनको सिखाते भी हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव यही रहता है किस तरीके से हम लोग एक फ्रेंडली ग्रुप बना सकते हैं, एक फ्रेंडशिप का ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल या कल्चर कोई भी आप लोग कॉन्टैक्ट यहाँ पर करें दो कंट्री के बीच में, अच्छे से हम लोग अच्छे से रिलेशन बना सकें। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं यहाँ पर इंडिया और इजराइल के रिलेशन आज के डेट में काफ़ी अच्छे लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, तो कई लेवल पर हम लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल के तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसके बारे में याद रख सकते हैं। और ये बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ किस तरीके से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो आप लोग दो चार बातें हैं यहाँ पर याद जरूर रखिएगा, जिस तरीके से कब इसका गठन किया गया, कौन कौन यहाँ पर मेंबर रह सकते हैं, कौन यहाँ पर चीफ वगैरह रहते हैं, कौन प्रेजिडेंट रहते हैं, कौन वाइस प्रेजिडेंट रहते हैं। इसी तरीके से आप लोग थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा IPU के बारे में, जिसको बोलते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, और आप लोग CPA के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। ओके, तो ये भी एक चैप्टर था आप लोगों का, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। रिवीजन करते रहिए, किसी भी तरीके से आप लोगों को कोताही नहीं बरतनी है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।